बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, फिर आज हम लोग बनाने लगे हैं फ़िश फिले विद वेजिटेबल बेडिंग एंड स्टीम वेजिटेबल। वैसे हम लोग भी बनाने लगे, मैं ही बनाऊंगी। आप देखिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इस रेसिपी के लिए सबसे पहले हम लोगों को चाहिए फ़िश फिले, जो कि ये हैं। उसके बाद अनियन पाउडर, लेमन, जिंजर गार्लिक पेस्ट, ऑरेंजेस, ओरिगानो, नमक, काली मिर्च, रेड सॉस, चिली सॉस, सोया सॉस। इसको हम लोगों ने इस तरह थोड़ा सा ड्राई कर लेना है और हल्के हाथ से ड्राई करना है। मरी मछली की हमने चांदनी निकालनी। सबसे पहले हम डालेंगे अनियन पाउडर, जो कि मैंने पानी में थोड़ा सा घोल लिया है या मिक्स कर लिया है। फिर चिली सॉस, ये भी आप पहली लेयर के हिसाब से डालिएगा। उसके बाद सोया सॉस, इसके बाद आप नमक डालेंगे हसब ज़रूरत। थोड़ा डालें, ज़्यादा डालें, जैसे आपको पसंद है। और इसके बाद हम लोग ओरिगानो डालेंगे। ओरिगानो एक चम्मच से ज़्यादा ना लीजिएगा, टेस्ट ख़राब भी हो जाता है। उसके बाद हम लोग जिंजर गार्लिक का पेस्ट डालेंगे और फिर लेमन, लेमन के बाद ऑरेंज। ओ, गिर गया। और इसके बाद हम लोग सेकेंड लेयर ऑफ फिश लगाएंगे और फिर हम लोग अपना अनियन पाउडर जो कि मिक्स्ड है उसको डालेंगे, फिर ओरिगानो, सॉल्ट, और पेपर। मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि जो मसाले हैं वो ऐसे हों कि सब घरों में मिल जाएं। इसी तरह लेमन और ऑरेंज। और जो हमारी दो सॉसेस हैं उनकी सेकेंड लेयर लगा देंगे और इसी तरह हम लोग फिश की थर्ड लेयर लगाएंगे। हम लोगों ने जब थर्ड लेयर लगा लेनी है तो उसको हम लोगों ने फिर 15 से 20 मिनट के लिए फ्रीज़र में आप रख सकते हैं या फ्रिज में रख दीजिए। ऐसे हाथों की मदद से उसको ऊपर नीचे कीजिएगा ताकि उसमें मसाला सही से कूट कूट के एक जान हो जाए, ठीक है? क्योंकि मसाले का ही सारा टेस्ट। अब हमारी फ़िश बापरदा होके गई फ्रिज में। फ़िश को फ्रिज में रखने के बाद अब हम आ जाएंगे अपनी वेजिटेबल बेडिंग की तरफ, जिसके लिए हमें चाहिए हॉट सॉस, सोया सॉस, काली मिर्च, ओरिगानो, नमक, दादर मिर्च, केचप, गाजर, नींबू, शिमला मिर्च, प्याज, और ये है स्प्रिंग अनियन, जिसको हरी प्याज कहते हैं। हाँ जी, तो सबसे पहले हमने लिया है अपना पैन। पैन को हम लोग करेंगे गर्म और उसमें डालेंगे ऑयल। जैसे ही ऑयल गर्म होने लगे उसमें आप डाल दीजिए गाजरें, ठीक है, जो हम लोगों ने काटी थी, तकरीबन 1.5 गाजर है, उसको आप आराम से उसमें डाल दीजिए और उसको फिर चम्मच की मदद से हिलाएं इतना कि वो थोड़ी नरम पड़ जाएं। ये बेसिकली मैक्सिकन सॉस है जो कि मैंने अपने इंग्रेडिएंट्स के साथ मैं बनाती हूँ। तो अब इसको आपने और थोड़ा सा फ्राई करना है और इसके बाद इसमें इस तरह करके प्याज डाल देना है। प्याज मैंने लंबे काटे हैं क्योंकि हमें वेजिटेबल बेडिंग के लिए एक प्रॉपर अच्छा टेक्सचर चाहिए, तो उसके लिए इस तरह के कटे हुए प्याज का टेक्सचर बहुत अच्छा आता है। आप वैसे अपनी मर्ज़ी से छोटे बड़े काट सकते हैं, दैट डजंट मैटर। और इसके बाद मेरी बेटी आ गई तो इससे मैंने कहा चलो तुम नींबू ही निचोड़ दो, तो उसने वो कर दिया। तो हम लोगों ने इसमें हाफ लेमन यूज़ किया और फिर डाली केचप। केचप मुझे बेसिकली टैंगी पसंद है फ्लेवर, और ये मैंने किया बड़ा देसी काम जिसमें कि आपने देख ही लिया है, तो चलें इग्नोर करते हैं, आगे चलते हैं। तो अब हम लोग इसको फ्राई करेंगे कि ये सारा जो हमारा मटेरियल है वो सॉफ्ट हो जाए। इसके बाद हम लोग इसमें डालेंगे काली मिर्च, हसबे ज़ायका होगी ये, और नमक और जो दादर मिर्च है वो भी आप हसबे ज़ायका ही डालिए, जो आपके अपने टेस्ट बड को सूट करती है। मुझे थोड़ी ये टैंगी पसंद है सॉस, तो मैं उसी तरह बनाती हूँ। अब इसमें हम लोगों ने डाल दिए शिमला मिर्च, जिसमें बचा हुआ प्याज भी आ गया है, क्योंकि बर्तन मैंने खुद धोने हैं तो मैंने प्याज और शिमला मिर्च एक ही में काटा था। तो अब हम इसको करेंगे मज़ीद फ्राई। और हम लोगों ने शिमला मिर्च एंड में इसलिए डाली है ताकि
उसका टेस्ट अच्छा आए। और इसके बाद हम लोगों ने सोया सॉस डाली और इसमें फिर हम लोगों ने जो हमारी रेड सॉस थी और मज़ीद थोड़ी केचप, मुझे थोड़ा वो टेक्सचर इसमें चाहिए था। और अब हम लोगों ने इसको लगा दिया दम फॉर 5 मिनट्स ऑलमोस्ट। दम के बाद ये कुछ ऐसे दिखने लग गया है हसीन। अब हम लोगों ने इसको कर दिया सर्व। ये 1 पर्सन सर्विंग है और ये है फैमिली साइज सर्विंग। 1 पर्सन सर्विंग इसलिए कि अगर आपने अपना अलग से पोर्शन बनाना है तो आपके लिए इजी हो। सो ये है हमारी वेजिटेबल वेडिंग की सेटिंग। अब आपने वो वाला पैन धो लेना है जिसमें हमने सॉस बनाई थी, और ऑयल डाल के अब हम इसमें करेंगे अपनी फ़िश को जो कि हमने फ्रिज में रखी थी, उसको निकालेंगे, उसको करेंगे फ्राई। ठीक है, और मैं फ्राई करने से पहले फ़िश को हमेशा दम में कर देती हूँ, बिकॉज़ डीप फ्राई करने से अंदर तक पकती है, पर अगर आप स्टीम में उसको फ्राई करेंगे या दम दे देंगे तो वो फ़िश अच्छे से अंदर से पक जाएगी। इस तरह फ़िश को रख के अब हम लोगों ने इसके ऊपर इसका कवर चढ़ा देना है और इसको थोड़ी देर दम पे रख देना। हाँ जी, अब हम आ गए हैं अपनी वेजिटेबल स्टीम करने पे, जो कि हम लोगों ने, मैंने एक पतीला लिया है। इस पतीले में आप लोगों ने 2 कप पानी तकरीबन डालना है, और इसके अंदर मैंने एक अपना मिट्टी का बर्तन रख दिया है क्योंकि मिट्टी का बर्तन जलता नहीं है। और उसके ऊपर दूसरा मिट्टी का बर्तन रख के मैंने उसमें वेजिटेबल्स डाल दिए हैं और इसको कर दिया ऊपर से बंद। और अगर स्टीम बाहर ना जाए, अगर आपका ऐसा है लिड के उसकी स्टीम बाहर जा सकती है, तो उसके ऊपर ऐसे कपड़ा रख के उसे पूरी तरह से कवर कर दीजिए और 15 मिनट के लिए इसको स्टीम पे रख दीजिए। हाँ जी, तो हमने स्टीमर को कर दिया है पीछे, और अब हम अपना दोबारा से चेक कर रहे हैं कि हमारी फ़िश कितनी फ्राई हो गई है। ये तकरीबन तकरीबन फ्राई हो गई है। इससे ज़्यादा आप फ्राई अगर करना चाहते हैं तो आप मज़ीद पानी को इसको सुखा सकते हैं, पर आई एम हैप्पी विथ दिस। सो मैंने इसको अब निकालने की तैयारी कर रही हूँ एक 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 करके। और इसी सेम पैन में मैं अपनी बाकी जो फ़िश पीसेज हैं उनको भी इसी तरह स्टीम करके शैलो फ्राई करूँगी। मैं बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं कर रही, वरना आप मज़ीद फ्राई कर सकते हैं। ये अगला स्टेप इजी है। आपने मक्खन में अपनी जो फ़िश है उसको शैलो फ्राई कर लेना है, जो कि हमारी स्टीम फिश थी उसको मैंने शैलो फ्राई किया है ताकि उसकी जो आउटर लेयर है वो थोड़ी क्रिस्पी हो जाए। और इस तरह इसको सेट कर दिया है, और सेट करने के बाद मैंने ली है अपनी स्टीम वेजिटेबल्स निकाली हैं और उसको कर दिया है बटर में थोड़ा सा हल्का सा शैलो फ्राई फिर से, क्योंकि वेजिटेबल्स मेरे बच्चे खाते हैं और उनके लिए एक हेल्दी ऑप्शन है। अगर आप सीजनिंग कर दीजिएगा, और सीजनिंग वो जो सेम स्पाइसेस हैं मैंने उसी से करके इसको भी एक साइड पे तैयार कर लिया है। देखें, खाना हर कोई बनाता है, बट खाने को खूबसूरती से प्रेजेंट करना बहुत ज़रूरी होता है। वो जो बनाता है उसको भी अच्छा लगता है और जो खाता है उसको भी अच्छा लगता है। तो इसको आप इसके साथ फ्रेंच फ्राइज भी बना सकते हैं, इसके साथ और चीज़ें मैश पोटैटो जैसे स्टेक के साथ बनता है आप बना सकते हैं, इसके ऊपर आप चीज़ की टॉपिंग कर सकते हैं, वो बहुत सारे ऑप्शन हैं, पर अभी के लिए सिर्फ ये। सो इन्जॉय करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को फॉलो करें। Thank you so much.